बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शेयर मार्केट में हर महीने 5 से 10% मुनाफे का लालच देकर 14 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। रायपुर में रहने वाले व्यवसायी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की जांच की तो पता चला कि जालसाजों ने कई लोगों से धोखाधड़ी की है। प्राथमिक जाँच में 14 करोड़ की धोखाधड़ी का पता चला है। पुलिस को आशंका है कि पूरा मामला करीब 40 करोड़ की धोखाधड़ी का है। कंपनी के डायरेक्टर विनय कृष्ण रात्रे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी रजनेश सिंह ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। उसरता कॉम्प्लेक्स के सामने है, साईं कृष्णा इन्वेस्टमेंट नाम का एक ये शॉप खोल के रखा था। ये जो इसका आरोपी है विनायक कृष्णा रात्रे, इसके द्वारा एक ये बेसिकली ये शेयर ब्रोकर का काम करता है, शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाता रहा है। और इसने गुमास्ता लाइसेंस सिर्फ लेके ये फर्जी तरीके से कंपनी साईं कृष्णा इन्वेस्टमेंट खोला और लोगों से इस लालच और उसके कारण से लोगों को अपने जाल में फंसाया कि आपके पैसे आपकी जो रकम है दुगनी तिगनी हो जाएगी। और इस तरीके से इसने करीब करीब अभी 6-7-8 महीने में करीब 15 करोड़ रुपए लोगों से ले लिए। लोगों ने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई इसको दे दी, इस बिना पर की उनकी रकम काफ़ी बढ़ जाएगी। और कई लोगों ने तो लोन लिया हुआ है, कई इसमें शासकीय कर्मचारी भी हो सकते हैं और न केवल बिलासपुर के बल्कि अन्य जगहों के अन्य शहरों के भी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और इसने उन सभी के पैसों को उन सभी के भरोसे को तोड़ते हुए अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपना एक अच्छा एक सैलून खोल दिया है, बिट बाय कैफे खोल दिया है और भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लैंड में और उसमें। तो इस तरीके से 400 BC और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत इसके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। और आम लोग जो बेचारे इस तरीके से झांसे में आ जाते हैं तो उससे उनका पैसा डूब जाता है। तो ये जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, एक शिकायत आई कि उसके पैसे को रिटर्न नहीं मिल रहा है, रिटर्न नहीं दे रहा है, तो तत्काल इसमें प्रथम दृष्टया जाँच की गई। जाँच में जैसे ही ये पाया गया तुरंत सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज की गई है और सिविल लाइन CSP और सिविल लाइन थाना प्रभारी गौरव प्रदीप आर्य और माइकू ने इसमें तत्काल कार्रवाई कराई है। आरोपी को पकड़ के लाया गया, कहाँ बाहर चला गया नहीं सर, इसको पकड़ के लाया गया, पूछताछ की गई है। ढेर सारे आप सभी देख रहे होंगे, ये इतने सारे डॉक्यूमेंट जब्ती हुए हैं और इसके आधार पर हमें पर्याप्त अभी तक साक्ष्य मिले हैं। आगे और इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा जिसमें और भी लोग जो इसमें शामिल होंगे और भी लोगों का जिनका भी पैसा डूबा है वो भी जानकारी लगेगी। और इस हिसाब से अगर देखा जाए ये 2021 से ये कर रहा है तो निश्चित रूप से इसमें 35-40 करोड़ रुपये अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट हो गया होगा और ये इतनी रकम को ये लोगों की रकम को खाया है। तो इसमें कार्रवाई करके और जो भी बन पड़ेगा इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ज़्यादातर इसमें जो लोग पीड़ित हैं उनके उनके लिए इसमें सहायता मिलेगी।